हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहां पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीक्रेट वॉर का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इससे पहले के एपिसोड्स आप मेरे दिए गए प्लेलिस्ट के जरिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उतना ही जानते हैं जितना हम जानने के काबिल है। मरने से पहले हमें जो रोशनी दिखती है, हमें लगता है वो डेथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो डेथ नहीं, बल्कि वो गॉड है। मल्टीवर्स मर रहे हैं, सिर्फ 2 अर्थ अभी बाकी है। मैनहट्टन अर्थ 1610 इनकर्जन इवेंट से पहले, जहाँ पर ट्राइस्केलियन, जो कि हेडक्वार्टर है इस अर्थ के शील्ड का, वहाँ पर निक फ्यूरी किसी से मदद मांग रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि मेकर था। मेकर जो कि इस अर्थ का रीड रिचर्ड है, लेकिन उसका इविल वर्जन, जो कि अभी है मैनहट्टन में, जहाँ पर मेकर उसे कहता है कि जनरल फ्यूरी सब कुछ मर रहा है, और अगर तुम ये मानना ना चाहो तो तुम अपने दम पर देख सकते हो सब चीज़ों को। तब कॉल कट करके फ्यूरी कुछ सोचता है और कोई चॉइस ना पाकर वो मेकर की बात सुन लेता है। आगे ट्राइस्केलियन से सभी हथियारों के साथ निकल चुके थे, और ये जाने के बाद द सिटी मेकर को बताती है कि निक फ्यूरी ने वही किया जैसा हमने प्लान किया था, और वो मेकर से पूछती है कि तुमने उन्हें सिर्फ आधा सच क्यों बताया। तब मेकर कहता है, मैंने उन्हें सिर्फ अपना एक हाथ दिखाया। अगर मैं उन्हें बताता कि उनके पास टाइम है तो हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते थे। और इतना कहने के बाद वो कबाल की तरफ देखता है और उन्हें भी उस फाइट को ज्वाइन करने के लिए कहता है। मैनहट्टन अर्थ 616 इनकर्शन इवेंट से पहले, लेकिन यहाँ पर बैक्स्टर बिल्डिंग में मिस्टर फैंटास्टिक का अपना ही प्लान था। लाइफ राफ्ट के साथ कुछ सुपर हीरोज के साथ यहाँ से निकलने वाला था, जैसे कि वो बच्चे बता रहे थे, और ये सही भी था। यहाँ पर सभी हीरोज अपने अपनी तरफ से लड़ रहे थे, द डिफेंडर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स। यहाँ पर जैसे ही अल्टीमेट यूनिवर्स कमजोर पड़ने लगता है, तब मेकर को निक फ्यूरी कॉल करता है और उसे उस अपनी डील के बारे में याद दिलाता है। और सब कुछ तबाह होने के बाद द मेकर अपनी सिटी का वो बबल ओपन कर देता है, जिस वजह से सारे सीक्रेट्स अब रिवील होने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो बबल ओपन होता है, माइल्स मोरेल्स, जो कि उस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था, वो उस बबल के अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर मैनिफोल्ड अपनी पूरी पावर के साथ तैयार था, उस मशीनरीज के साथ, और कई सुपर हीरोज जो कि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे, उनमें से एक था साइक्लॉप्स, जो कि एक फिनिक्स एग को हैच होने के बाद उसकी सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो लोग उस लाइफ राफ्ट को लेकर और कुछ सुपर हीरोज को लेकर वहां से निकलने की फिराक में थे, लेकिन वो जैसे ही निकलने के लिए तैयार होते हैं, वो इनकर्जन के सेंटर पॉइंट में फंस जाते हैं, जिस वजह से रीड रिचर्ड को छोड़कर उसका सारा परिवार लाइफ राफ्ट के एक टुकड़े के साथ वहां से अलग हो जाता है। सुजन अपनी फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करके उसे कवर अप तो कर लेती है, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी, ये सभी को पता था। रीड रिचर्ड टचला से कहता है कि शील्ड्स नीचे करो, मैं उन्हें खींच लूंगा। और जैसे ही वो शील्ड्स नीचे करने वाला था, हम देखते हैं कि वो भी उस इनकर्जन के चपेट में आ जाते हैं, और यहाँ पर जैसे जैसे कैप्टन मार्वल रीड को अंदर ले लेती है। यहाँ पर उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे पार्टनर को ढूंढने में बिता दी जो कि उसके लिए परफेक्ट था। वो दोनों मिले, उनमें प्यार हुआ, और अब वो अपने आप को एक फूल से ज्यादा कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसने उस चीज पर यकीन कर लिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब कुछ गंवा चुका था, वो अकेला ऐसा था जो अच्छे की उम्मीद करता था आने वाले दिनों में, लेकिन अब उसे पता है कि सब कुछ टूट चुका है, सारी दीवारें गिर चुकी है, और अब कुछ नहीं बचा आगे प्लान करने के लिए। तो अब वो किसी भी चीज में बिलीव नहीं करता। तो मार्वल यूनिवर्स 1961 से लेकर 2015 तक,
द अल्टीमेट यूनिवर्स 2000 से लेकर 2015 तक।